वेलकम टू आज क्या बनेगा। आज हम बना रहे हैं चेतीनाद मसाला। ये मसाला जो है वो चेतीनाद डिशेज में यूज़ होता है, चाहे वो ड्राई हो या करी वाली हो। आप इससे बहुत सी डिशेज बना सकते हैं जो मैं आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूँगी। आइए हम चेतीनाद मसाला बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच उड़द की दाल ली हुई है, 2 चम्मच चना दाल लेनी है। चना दाल अवेलेबल ना हो तो मेरी तरह से 2 चम्मच अरहर की दाल भी ले सकते हैं। गरम तवे पर ड्राई रोस्ट करना है। कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, मैंने 1 से 1.5 लाल मिर्च ली है। आप कश्मीरी मिर्च की जगह पर तीखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। मैं कलर के लिए ले रही हूँ, ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी। धीमे धीमे बिल्कुल स्लो आंच पर इसको थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए रोस्ट कर लीजिए। दाल का कलर चेंज होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। मिर्ची शुरुआत में तोड़ते समय मुश्किल हो रही थी, लेकिन जब ये रोस्ट होके गर्म हो जाएगी तो हल्की हल्की फूल जाएगी, साथ ही साथ क्रिस्पी भी हो जाएगी। इतने बड़े बड़े टुकड़े भी जार में जाते ही फिस जाएंगे। कुछ देर बाद इस तरीके से मसाला रोस्ट हो गया है। अब हम डालते हैं इसमें बाकी के मसाले। आप अगर मसाले को तीखा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर काली मिर्च के दाने भी डालकर रोस्ट कर लीजिए। मैं काली मिर्च नहीं डाल रही हूँ। 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, 2 चम्मच धनिया के दाने डाल दिए हैं। जीरा और धनिया जल्दी रोस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें बाद में डाला है। अगर आप पहले से ही इन्हें डालेंगे तो ये जल जाएंगे, क्योंकि दाल को रोस्ट होने में टाइम लगेगा, वो अनाज है ना। जब आपको बढ़िया सी खुशबू आने लगे तब आप गैस को बंद कर दीजिए, लेकिन तवा अभी भी गर्म होगा तो आप मसाले को लगातार चलाते रहिएगा। अराउंड 2 मिनट के बाद जब तवा ठंडा होना शुरू होगा तब आप चलाना बंद कर दीजिएगा। इतनी देर में आपका मसाला बढ़िया से रोस्ट हो चुका होगा। अब इस मसाले को कुछ देर के लिए तवे पर ही छोड़ दीजिएगा। ठंडा हो जाए तब आप इसको छोटे से ग्राइंडर, जो मिक्सी के साथ छोटा वाला जार होता है, उसमें डालकर दरदरा पीस लीजिएगा। दरदरा पीस लेने से ये बढ़िया सा टेस्ट देता है, इसका टेक्सचर अच्छा लगता है। ये हमारा खूबसूरत सी खुशबू वाला चेतीनाद मसाला तैयार हो गया है। इसे पूरी तरह से ठंडा होने तक खुला रखें, उसके बाद एयर टाइट जार में मसालदानी में रख सकते हैं। इस मसाले से एक रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख करके ट्राई कीजिए। डेली एक ही चीज़ को सेम तरीके से खाने की बजाय कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं आपको बढ़िया सी रेसिपीज़ आपके इनबॉक्स में टाइम टू टाइम भेजती रहूँ। बाय बाय, टेक केयर।